सऊदी नज़रात कहकशां के सितारों की महफिल में आज एक और बहुत चमकता हुआ सितारा हमारे दरमियान मौजूद है, अजय चौधरी साहब। अजय चौधरी साहब 1996 के बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और फिलवक्त स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, और ही इज एन ऑफिसर अवार्डेड विद प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस। ही वॉज अर्लियर एन ओएसडी टू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ डेली। He was also additional commissioner of police, South East Delhi. अजय भाई, आदाब और वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुझे भाई आदाब, अजय भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाने के लिए। बहुत खुशी हो रही है मुझे। थैंक यू वेरी मच अजय भाई। तो अजय भाई, हम आपके जिंदगी के अब तक के सफर के बारे में आपकी जबानी सुनेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए कि आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ, कब शुरू हुई और एएमयू कब पहुंचे, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कि सिविल सर्विसेज की जुस्तजू कब और कैसे पैदा हुई। बहुत सारे सवाल आपने पहले ही सवाल में दाग दिए। तो आप मुख्तसर जवाब दे सकते हैं। गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक तो शेर याद आ रहा है, वो मैं आपके पेश करता हूँ कि इरशाद सुकून दिल के लिए तमाम लोग जो हमारे अलीगढ़ वाले प्रोग्राम को देखेंगे उनकी नज़र कहता हूँ कि सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूँ, आहा, मिले नज़र उनसे तो फिर उन्हें सलाम करूँ। क्या बात, मुझे तो खुश नहीं है, आप मशवरा दीजिए कहाँ से छेड़ू फसाना कहाँ तमाम। कहाँ तमाम करूँ। वाह जबरदस्त, क्या बात। तो आपने पूछा कि जिंदगी का सफर, अब सफर भी काफी लंबा हो चुका है और फिर अलीगढ़ कैसे पहुंचे। तो मैं जब अपने GIC एटा में पढ़ता था तो जी एक बार मैं बस में सफर कर रहा था, अपने मेरे नाना थे उनके गांव जा रहा था कासगंज के पास। तो वहां पर एक जो जिस सीट पे मैं बैठा हुआ था वहां पे एक शख्स आए, कोई उर्दू की मैगजीन उनके हाथ में थी और उन्होंने मुझसे कहा कि पार्टनर सर आप उधर तशरीफ ले जाएंगे। अच्छा मैंने कहा भाई ये किस दुनिया का आदमी है और ये कौन सी भाषा है पार्टनर। जी तो ये एक जहन में एक पहला जो मुझे याद आती है, लेकिन फिर मैं भूल गया इस इंसिडेंट को। जी बाप मेरे बड़े भाई साहब जो आर्मी में थे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, उन्होंने सुझाव दिया, क्योंकि मेरे दो भाई सैनिक स्कूल में पढ़े थे और मैं सैनिक स्कूल मुझे भी जाना था लेकिन मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरी दादी थी, उनका कहना ये था कि सारे बच्चे फौज में नहीं जाएंगे या तरह की पढ़ाई नहीं करेंगे, हम मतलब अजय को नहीं भेजेंगे। मेरे वाले साहब ने उनका मशवरा मान लिया, लेकिन ये सबके दिल में थी कि फिर कहीं अच्छी जगह तो पढ़ना ही चाहिए। और स्कूल की पढ़ाई शुरू हो जाती थी करीब 6th या 7th से, तो ये 3 साल फिर मुझे गुजारने पड़े अपने लोकल कॉलेज में। और वो भी बहुत अच्छा पुराना स्कूल था, बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी उस जमाने में, जो यूपी बोर्ड से उसका ताल्लुक है। तो मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे मोटिवेट किया कि अगर आपको बेहतर पढ़ाई करनी है तो आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जाइए, मैंने वहाँ का माहौल देखा है और बहुत अच्छा आपको लगेगा और वही आपके लिए असली जगह है। और इसके अलावा दूसरी बात ये थी कि मुझे ह्यूमैनिटीज में ही पढ़ना था, लिबरल आर्ट्स पढ़नी थी। जी तो इस लिहाज से यही सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी थी मेरे सामने और ये किस्मत की बात है कि उनके सुझाव पर मैंने अमल किया, मैंने अप्लाई किया और ईश्वर की कृपा से मुझे एडमिशन मिल गया। तो उसने तमाम जिंदगी के ऐसे दरवाजे खोल दिए जिनकी कभी उम्मीद नहीं थी। तो तब फिर जब अलीगढ़ गए तब पता चला कि पार्टनर क्या होता है और यहाँ से बस की सीट से तशरीफ ले जाना क्या होता है। तो वो जी क्लियर हुआ कि साहब वो जी शायद जो जो बंदा हमारे साथ बस में था वो जी अलीगढ़ियन था। राइट 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 तो ये तो सफर था अलीगढ़ तक पहुंचने का। जी और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मेरे वालिद साहब मुझे लेके हॉस्टल पहुंचे फिर अगले दिन वो मुझे मौलाना आजाद लाइब्रेरी ले गए जी और मौलाना आजाद लाइब्रेरी में घुसने से पहले करीब 10 मीटर पहले उसके मेन दरवाजे से 10 मीटर पहले उन्होंने मुझे रोका और उन्होंने मुझसे कहा कि निगाह उठाकर ऊपर की तरफ देखो कि ये इमारत कितनी बुलंद है और तुम कितने किस्मत वाले हो कि तुम्हें यहाँ बैठ के पढ़ने का मौका मिला।
क्या बात, क्या बात। वो चीज मैं अभी भी नहीं भूल सकता, ये 1981 की बात है। अच्छा तो बहुत इस चीज का असर पड़ा। मेरे पिताजी टीचर थे, बहुत ही विद्वान आदमी थे, और उनकी ये बहुत बड़ी तमन्ना थी कि उनके सारे बच्चे बहुत अच्छी उम्दा से उम्दा यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़े। तो जी, मेरे बड़े भाई और मेरे वालिद साहब की मेहरबानी की वजह से ये मुझे मौका फराहम हुआ कि अजय जिससे मैं भाई, यूनिवर्सिटी पढ़ा। आपने आपने 11वीं जमात में अलीगढ़ ज्वाइन किया था, 11th जी, में जो, यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया था, अच्छा R0503 आपका ये मेरा एनरोलमेंट, मुझे जी जो मुझे अभी तक याद है। तो आप हमसे सीनियर हैं फिर, इसका मतलब आर आर का है जी आपका था, माशाल्लाह। जी ये अच्छा, पहले ही कर लिया जाता है अलीगढ़ वालों में, ये खास बात होती है कि सही पहले बात। ये तय कर ले कि रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा, अभी सीनियर कौन है और जूनियर कौन है, ये मजबूरी भी है। मैं जरा सा और महज़्ज़ब तरीके से बैठ जाऊं। मैं अब तक सोच रहा था कि आप और हम शायद कंटेम्प्रेरीज हो, लेकिन आप हमसे एक अल्फाबेट सीनियर हैं। जी, लेकिन तो जी, तो मैं ये पूछा था अजय भाई कि ये जो है कि एक आप पूछने से पहले मैं एक बात कह दूं यही आपके लिए भी, कि जी अगर आप एक ही अल्फाबेट जूनियर है तो फिर मुलाकात वहां होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी, पता मुलाकात नहीं या ये नहीं हो सकता। अगर देखा हो तो फिर मैं एक शेर कह देता हूँ कि आपके लिए, कि इरशाद, जिंदगी से यही गिला है मुझे कि तू बहुत देर से मिला है मुझे। क्या बात, जरा नवाजी आपकी जहे नसीब, बहुत बहुत जी उम्दा, बहुत उम्दा। अब आपने सवाल आप तो तैयार मेरी रखिए। जी मेरी भी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब इंशाल्लाह जो है वो मुलाकातें होती रहेंगी, देर से ही सही, लेकिन शुक्र है कि मुलाकात हुई। बिल्कुल, बहुत सही कहा आप। जी अच्छा, तो अजय भाई ये मैं पूछा था आपसे कि एएमयू में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिविल सर्विसेज का बहुत माहौल तो है नहीं, तो आपके अंदर सिविल सर्विसेज की जुस्तजू कैसे शुरू हुई, कैसे इंस्पायर हुई, या आप पहले से उसको लेके आए थे अपने जहन में कि मुझे ह्यूमैनिटीज पढ़ के जो है सिविल सर्विसेज में जाना है। देखिए मेरे साथ तो यह मजबूरी थी कि मुझे मैथमेटिक्स फिजिक्स साइंस बिल्कुल नहीं आती थी, तो मेरे सामने तो कोई रास्ता ही नहीं था। जी और मैंने बिल्कुल 10th के बाद, हाई स्कूल के बाद हाथ खड़े कर दिए कि मैं इससे आगे इस चीज़ को नहीं पढ़ पाऊंगा। कोशिश की मैंने लेकिन मुझसे नहीं। तो जी फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया, प्री यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, और उसके बाद मैंने बीए ऑनर्स इंग्लिश में ज्वाइन किया। अच्छा तो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे अच्छा कैरियर वाइज, या तो आप इंजीनियर बनिए या डॉक्टर बनिए, या सही फिर बात अपने अलीगढ़ में बहुत था तो जियोलॉजी डिपार्टमेंट अच्छा था, और जी भी चीज़ें थी। जी लेकिन आम तौर पे स्टूडेंट्स का एक जो होता था कि वो इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, जी तो रुझान था शुरू से। और अलीगढ़ का माहौल बहुत अच्छा था, जैसे मैंने लाइब्रेरी का जिक्र किया, फैकल्टी जो हमारी इंग्लिश डिपार्टमेंट की या पॉलिटिकल साइंस की या ह्यूमैनिटीज़ की, इसके बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ, बहुत ही शानदार और वर्ल्ड लेवल की फैकल्टी हुआ करती। जी तो सिविल सर्विसेज का रुझान काफ़ी लोग बैठते थे और काफ़ी लोग सेलेक्ट भी हुए हैं, सेलेक्ट हो भी रहे हैं। कभी नंबर्स घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं, वो एक अलग बात है। पर जी एक ट्रेंड जरूर स्टार्ट हुआ है कि काफ़ी सारे बच्चे अब ग्रेजुएशन के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद या बीए ऑनर्स करने के बाद, जी 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 वो जाते हैं दिल्ली चले जाते हैं या IIMs में चले जाते हैं। उसकी वजह से कुछ नंबर्स में दो चार आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जी ऐसा नहीं है कि लोगों में जागरूकता नहीं है या लोग इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं, या कि यूनिवर्सिटी सपोर्ट नहीं कर रही है। जो रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी अभी बनाई गई है उसमें तमाम अच्छे लोग हैं, उसका मैं भी एक मेंबर हूँ, जी जो UPSC एस्पिरेंट्स को गाइड करते हैं, उनको बताते हैं किस तरह तैयारी की जाए। जिस तरह की कोचिंग आपने देखी होगी शायद जामिया में भी चलती है, जहाँ की एक बच्ची ने इस बार सिविल सर्विस में टॉप किया है, तो जी वो तमाम कोशिशें चल रही हैं। तो नंबर्स कभी घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी और बहुत से बच्चे चले जाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी आ जाते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट्स में चले जाते हैं, तो जी वो इस खाते में रखे जाएं वो अलग बात है। और अब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे बच्चे विदेश जा रहे हैं, जी मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं, जी तो उतना अब रुझान भी लोगों में कम है, क्योंकि ये एग्ज़ाम बड़े लंबा वक्त लेता है। सही सक्सेस वो कितने दो अटेम्प्ट्स में मिलेगी, अगर दो अटेम्प्ट्स में भी सक्सेस मिल रही है तो आपके 3 साल आपको डिवोट करने पड़ेंगे, और दो जी साल 3 साल बर्बाद करने के बाद, लगाने के बाद अगर आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है तो फिर करियर में भी परेशानियां आती हैं। इसलिए जी लोग अब उतने
इतनी शिद्दत के साथ और उतने इंतजार नहीं करते और तमाम कैरियर को चुनते हैं, ये भी एक वजह हो सकती है जो मेरा अंदाजा। अच्छा, नहीं यही है कि जब आपने जैसे जिक्र किया कि हम लोगों के जो कंटेम्प्रेरीज थे तो उन लोगों को के सामने बड़ा ही एक बड़ा महदूद सा दायरा था, इंजीनियरिंग या मेडिकल या एमबीए नया नया इवॉल्व हो रहा था। सिविल सर्विसेज में हमारे साथ के जो लोग थे उसमें एक या दो लोग ऐसे थे जो इसकी बात करते थे यूपीएससी की, वरना बाकी लोगों का ये नजरिया रहता था कि जल्द से जल्द तालीम करके और वो अपना कमाने के लिए वो निकले। ये एडवेंचर जो है वो कम ही लोग कर पाते थे। तो अजय भाई मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आपके बारे में कहीं मैं पढ़ रहा था कि आप एक बहुत एलोक्वेंट स्पीकर हैं, जो कि अभी आपने जाहिर कर दिया, और लिखते भी हैं, और ये भी कहा गया है कि ही इज नोन फॉर हिज डाउन टू अर्थ एंड हम्बल डेडिकेशन टू हिज वर्क गाइडेड बाय द क्रीडो दैट एनीवन हु इज अग्रीव्ड मस्ट बी गिवन होप एंड हेल्प ऑल द टाइम्स। He is known for his inspiring initiatives in community-based policing, fostering trust between people and police force, and various public police joint programs to increase awareness and constructive thinking, especially among the youth. तो सवाल मेरा ये है कि आप जैसी सोच वाले बहुत ज्यादा पुलिस वाले क्यों नहीं हैं? और क्या कहते हैं, why is it so that other police is so different from your approach towards a duty? अमूमन ये देखा गया है कि पुलिस की तरफ से जरा सा आदमी खौफजदा ही रहता है। ये पुलिस के खौफ की बात तो मैं करूंगा, इसका जवाब मैं आपको दूंगा या दूसरी तरह के लोगों के बारे में। जी मैं थोड़ा सा, जो आपने कम्युनिटी बेस्ड पुलिसिंग की बात की थी उसमें एक मैं आपको एक एक नजीर देना चाहता हूँ। जो काम हम लोगों ने किया था वो काम मुझे अभी भी बहुत अपील करता है और मैं उससे इमोशनली भी जुड़ा हुआ हूँ और वैसे भी जुड़ा हुआ हूँ। जी तो और मैं ये चाहता हूँ कि ये लोगों को पता चले कि पुलिस में क्या कर पाना पॉसिबल है। जी तो जब साउथ ईस्ट जिले में जामिया और अपना ये वाला इलाका आता है और एक जो इंसिडेंट हुआ था बटला हाउस का, उसके बाद इलाके में काफ़ी एक ऐसा माहौल बन गया था जो एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में एक डिस्ट्रस्ट की सिचुएशन पैदा हो गई। जी उस माहौल में जब मैं मुझे वहाँ भेजा गया, और ख़ासतौर से इसीलिए भेजा गया कि मेरे अलीगढ़ के ताल्लुक की वजह से, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जितने भी लोग वहाँ पर थे उन लोगों ने बहुत मुझे सपोर्ट किया और माहौल को नॉर्मल बनाने में। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और वो ऐसी कोशिश थी कि हमने पुलिस स्टेशन के अंदर एक लाइब्रेरी खोली। अच्छा, जामिया नगर पुलिस स्टेशन के अंदर एक लाइब्रेरी खोली गई और उसमें जो बच्चे, जो जामिया के स्टूडेंट्स नहीं है या जिनको बैठ के पढ़ने की जगह नहीं मिलती, उन लोगों को हमने बुलाया। वो एक जो एक्सपेरिमेंट था उसने एक आज एक ऐसी शक्ल ले ली है कि उसमें हजारों बच्चे उस तरह की लाइब्रेरी की नकल करके तमाम दूसरे थानों में वो लाइब्रेरीज खोली गई हैं। अच्छा, और आप अगर कभी जाएंगे, कभी आप जामिया की तरफ आए या जामिया नगर की तरफ आए, तो पुलिस स्टेशन के अंदर आपको बुर्का पहन के लड़के लड़कियां जो है आपको पढ़ते हुए मिल जाएंगे। अमेजिंग, ये ऐसा एक्सपेरिमेंट आपको किसी पुलिस थाने में शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। और इतना डिसिप्लिन, इतने अनुशासन के साथ वो लोग बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, खुद लाइब्रेरी को मैनेज करते हैं। जी तो वो एक चीज मुझे बहुत फख्र होता है कि मैंने एक इनिशिएटिव लिया कम्युनिटी पुलिसिंग में, जिसको कि लोग, उसके मीडिया ने भी बहुत उसको सराहना की उसकी, जी एडमिनिस्ट्रेशन सीनियर लोगों ने भी उसको बहुत सराहा, और वो चीज़ अभी तक चल रही है। आप कभी दिल्ली आएंगे तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप वहाँ चलें और देख कर आएँ कि ये भी किया जा सकता है। ज़रूर। अब नहीं, दूसरा सवाल आपका था कि ऐसे लोग कम हैं या क्यों हैं, ये एक परसेप्शन का भी मामला है। पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कि बहुत ही अजीब तरह की सिचुएशन में लोगों का सामना होता है पुलिस के साथ, और उसमें दो दो पक्ष होते हैं, एक तरफ एग्रीव्ड होता है, एक तरफ एग्रेसर होता है। अगर बहुत बिल्कुल बैलेंस्ड आपका नहीं है काम, आपका काम बिल्कुल एकदम फेयर नहीं है, कभी कभी गलती भी हो जाती है, एक आदमी कह रहा है कि इन्होंने मुझे मारा है, दूसरा कह रहा है इन्होंने मुझे मारा है, सही, मारपीट तो पहले हुई है, पुलिस तो बाद में आई है। अब ये तय कर पाना कि भाई वाकई गलती पर कौन था और किसने किसको मारा है, तो उस तरह की ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें कि लगता है कि पुलिस फेयर नहीं रही है। तो ये बहुत चैलेंजिंग है
मुश्किल काम है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिंदगी के हर शोबे में और हर जगह अच्छे लोग हैं, पुलिस में भी अच्छे लोग हैं, सही बात, सही ये बात, सिस्टम चल रहा है, खराब लोग भी हैं। वो आप लगभग ऐसे ही समझ लीजिए कि सोसाइटी में जितने खराब लोग हैं उतने ही परसेंटेज पुलिस में भी खराब अच्छा लोगों की होगी। तो सही, परसेप्शन है, बहुत सारे लोगों का कभी इंटरेक्शन नहीं होता, और एक पुलिस एक ऐसा सिंबल बन गया है जी कि मान लीजिए पुलिस ने कोई ज्यादती अमेरिका में भी की या लंदन में की या तमिलनाडु में की, इसका मतलब कि फिर सारी पुलिस ही उसके एक मेरे दिमाग में जो जहन में आएगा वो आएगा ये पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं। सही बात है, सही बहुत बात सारी चीजें स्टडीज हुई हैं, तो जी, सही सब तरह के लोग हैं अब, और ये बात, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन है तो दोनों तरफ से चलता रहता है, खींचतान चलती रहेगी, इसका कोई परमानेंट हल अभी तक 25 साल में मेरी समझ में नहीं आया। सही बात है। हम लोग जो है वो दुआ कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पुलिस वाले जो है वो आपकी सोच में तब्दील हो जाए, उनकी सोच जो है, तो मेरा ख्याल यह है कि समाज ज्यादा बेहतर जगह हो जाएगी। तो अजय भाई, एक छोटा सा वाक्य आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, और उसी से एक जुड़ा सेंसिटिव सा सवाल है। ऐसा हुआ कि एक मरतबा हम गालिबन दिल्ली से अलीगढ़ जा रहे थे, या अलीगढ़ से दिल्ली जा रहे थे। बुलंदशहर में मुझे याद है कि ट्रैफिक रोक दिया गया था, और वहां से किसी मंत्री जी का गुजर होना था, और ये देखा गया कि दो तीन आईपीएस पुलिस ऑफिसर्स, अच्छा हम लोग एज ए स्टूडेंट आईपीएस, वो जो अशोक लगा होता है, तो बड़ा फैसिनेट होते थे उससे। एक उनके उनका खाका जहन में था कि भाई यूपीएससी क्रैक करके जो है वो पुलिस सर्विसेज में आए हुए हैं। तो वो आईपीएस ऑफिसर जो थे बड़ी सख्त धूप में खड़े हुए और ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे थे। और उसके बाद ये भी मालूम हुआ कि जो नेताजी वहां से गुजरे थे उनके क्रेडेंशियल्स बड़े हल्के थे। तो हमें बड़ी मायूसी हुई कि बताइए, मतलब एक इम्बैलेंस सा लगा कि इतनी मेहनत करके तैयार हुआ आईपीएस ऑफिसर जो है वो कितने ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम कर रहा है। तो उसमें सवाल मेरा ये है कि इस किस्म के मरहले आप लोगों की जिंदगी में अक्सर आते रहते होंगे, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ये डेमोक्रेसी की महानता है जो किसी को भी फर्श से अर्श पर बिठा देती है, या फिर लिबरल डेमोक्रेसी का गलत इस्तेमाल है? तो क्या हमारे सिस्टम की खराबी आपको भी मुतासिर करती है? ये देखिए, मैं तो ऐसे डेमोक्रेसी की मानता ही कहूँगा, जी क्योंकि डेमोक्रेसी से बेहतर कोई गवर्नेंस का सिस्टम जी नहीं हो सकता। अब जी ये जिम्मेदारी जनता की बनती है कि वो किस तरह के लोगों को चुनती है, किस तरह के लोगों को जिम्मेदारियां देती है। राइट इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन का अपना काम है कि व्यवस्था को बनाए रखना, और सुरक्षा सुरक्षा व्यक्ति की है, उनका नाम क्या है और उन्होंने क्या किया है या कुछ है, उसका उसको जज करने का अधिकार ब्यूरोक्रेसी के पास नहीं है। इफ राइट समबडी इज ए मिनिस्टर, ही इज ए मिनिस्टर, यू कांट से दैट यू विल नॉट डू दिस बिकॉज ही हैज सम क्रेडेंशियल विच आर, आपने उसको हल्का कह दिया, क्रेडेंशियल खराब नहीं कहा जी आपने। तो जी जी ये चुनौती जो डेमोक्रेसी की है, जमहूरियत की है, वो सब लोगों के सामने, वो आम जनता के लिए है कि भाई आप अपना नुमाइंदा किस तरह का चुनना चाहते हैं। बाकी आपने जो जिम्मेदारी सरकार को या पुलिस को दी है कि भाई ठीक है, कोई वीआईपी अगर निकलता है तो रूट स्मूथली निकलना चाहिए, कोई वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, उसको राइट प्रोफेशनली उसी रूट पर जाना चाहिए। राइट उससे मेरे से व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होने से आप अपना ही नुकसान करेंगे, उसमें आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। सही है, सही है। आप मैं इतनी बतौर बावजूद बतौर ह्यूमन, एज ए ह्यूमन, एक आती है जहन में ये बात के जिनको आप सैल्यूट कर रहे हैं उनका क्या वजन है, तो इस तरह के ख्यालात जहन में आते हैं। लेकिन आपने बहुत खूबसूरती से सवाल का जवाब दिया कि ड्यूटी इज प्राइम। तो जी, जी, तो अजय ये भाई, जनता एक को समझाना हमारा नहीं है कि हम जनता को समझाएं कि भाई आपने बड़ा गलत आदमी चुना है, ये तो करेक्ट, डेमोक्रेसी में लोगों को देखना पड़ेगा। सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अच्छा अजय भाई, आपके बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर, और ये आपने खुद ही बताया और फिर हमने खुद जज किया कि आप एक लिटरेरी इंसान हैं, शायरी में भी आपकी दिलचस्पी है, माशाल्लाह अशआर बहुत सारे आपको याद हैं, लिखते भी हैं। तो आप क्या लिखते हैं, मतलब किस तरफ आपका आपका जॉनर क्या है, यानी, और अगर कुछ आप शेयर करना चाहें हमारे साथ तो यकीनन लोग महसूस होंगे।
देखिए अलीगढ़ वालों के सामने ये कहना कि आप शायरी भी करते हैं, तो ये तो इसके लिए तो बड़ी बड़ी हिम्मत चाहिए। तो वो तो मैं नहीं कहूँगा, चाहे मैं करता भी हूँ तब भी मैं ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा सकता या हिमाकत नहीं कर सकता कि साहब मैं शायरी भी करता हूँ। चोरी छुपे करते हैं, कभी तो आएगा और होगी तो उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन मैंने फेयरवेल टू आर्म्स और ओल्ड मैन एंड द सी, ये दो हेमिंग्वे के नॉवेल्स हैं जी, जो हमने अलीगढ़ में ही पढ़े थे अपने इंग्लिश ऑनर्स के, उसमें उनको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। वाओ, और ये दोनों छप चुके हैं राजकमल प्रकाशन, जो हिंदी का सबसे बड़ा प्रकाशन है जी, हिंदुस्तान का। और अभी मैं काम कर रहा हूँ इंग्लिश के एक नॉवल पर जो मैं खुद लिख रहा हूँ, भीष्म के ऊपर। महाभारत का एक करेक्टर है भीष्म, जी जी बिल्कुल, भीष्म के रूप में लोग पूरा रूप जानते हैं उन्हें। वो मेरा काम पूरा हो गया है और उस पर स्क्रिप्ट की एडिटिंग वगैरह चल रही है। तो वो एक क्रिएटिव काम है इंग्लिश में लिख पाना। और ये इंग्लिश जो भी जितनी भी पढ़ी है सीखी, वो अलीगढ़ के ही इंग्लिश डिपार्टमेंट में सीखी है, वहीं से शुरुआत की थी। वरना मैं तो हाई स्कूल तक हिंदी मीडियम का आदमी था। अब देखते हैं कि वो कैसा बन पड़ा है, पढ़ने वाले इसको कैसा रेट करते हैं। नहीं, बाकी अभी तक जिन लोगों ने यकीनन बढ़िया बहुत कह रहे हैं। एक सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, और दूसरी बात यह कि अंग्रेजी जाहिर है कि वो तो पढ़ने के बाद ही अंदाजा होगा, लेकिन ये यकीन है कि आप लिखेंगे तो अच्छा ही लिखेंगे, इसलिए कि आदमी के लिटरेरी ज़ौक का अंदाजा जो है उससे गुफ्तगू से हो जाता है। देखिए तो अलीगढ़ में हम लोग जिस बैकग्राउंड के लोग आते हैं, और खासतौर से अलीगढ़ में रूरल बैकग्राउंड के भी बहुत लोग, जी तो जी अंग्रेजी में आमतौर पर हम लोगों का हाथ थोड़ा तंग रहता है। सही बात, बिल्कुल सही बात, और इसमें कोई अभी मैं इसको शर्मिंदगी की बात, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, हमारी मादरी जुबान नहीं है, मातृभाषा नहीं है, तो बिल्कुल सही वो बात हैंडीकैप है, उसको हमें सामना करना चाहिए। तो हमारे एक सीनियर होते थे, जी वो कहते थे जब इंट्रोडक्शन हुआ करता था तो किसी बच्चे ने कोई कॉन्वेंट से गया होगा, उसने कुछ इंग्लिश में बोल दिया, तो जी उन्होंने कहा तो आप तमीज नहीं है, आप अपने सीनियर से अंग्रेजी में बात करते हैं। तो हमारी वो वाली इंग्लिश है, हमने बड़ी मेहनत से जद्दोजहद के साथ उसको जी सीखा है। सही, लेकिन बात जैसा मैंने कहा कि हम लोगों की फैकल्टी जिस तरह की होती थी, जी बहुत मतलब गर्व करने की बात है, बहुत नाज की बात है कि किस तरह के लोग हम लोगों को पढ़ाते उस दौर में। सही बात, सही बात, बिल्कुल सही बात। अच्छा अजय देखिए भाई, आपके अपनी जाती जिंदगी में आपके रोल मॉडल्स कौन है, मतलब किन को किन किन लोगों ने आपको जिंदगी में मुतासिर किया? हाँ, ये बाद में आपने कहा कि इसमें मुतासिर किया है, वो थोड़ा आसान है। बाकी ये रोल मॉडल्स आज के जमाने में किसी को कह पाना बहुत मुश्किल काम है। और मेरे वालिद साहब का जैसे मैंने जिक्र किया कि वो टीचर थे और हमेशा ये चाहते थे कि अच्छे तरीके से पढ़ाएं, तो उनका बहुत इन्फ्लुएंस है मेरी ज़िंदगी पर। और वो बहुत ही सेक्युलर प्रोग्रेसिव सोच के इंसान थे। जी और मेरे बड़े भाई, उनका मेरे ऊपर बहुत असर है, उन्होंने मुझे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भेजा। तो ये दो शख्स हैं जिनको मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी पर असर डाला है। और बाकी तो बहुत टीचर्स भी रहे हैं, सीनियर्स भी रहे हैं, दोस्त भी रहे हैं, ऐसे ऐसे दोस्त रहे हैं कि जिनकी छोटी सी बात में, अलीगढ़ के हमारे एक साथी थे, और जब मैं ये यूपीएससी वाले संघर्ष के दौर में चल रहा था तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेरी एमबीए की डिग्री बेकार हुई जा रही है, मैं लगातार इसमें उलझा हुआ हूँ यूपीएससी, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो हम लोग डीटीसी की बस में सफ़र कर रहे थे दिल्ली में, तो वो मुझसे जूनियर थे लेकिन उन्होंने एमबीए किया था अलीगढ़ से किया। तो उन्होंने एक सवाल मुझसे किया कि अजय भाई आपको क्या लगता है, आप क्वालिफाई कर सकते हैं? तो जी मैंने कहा भाई ये लगता तो मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ। जी तो उसने कहा कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, फिर आप इसी काम को करिए जो आप कर रहे हैं। तो जबरदस्त, तमाम लोग ऐसे होते हैं जो जाने अनजाने आपको मुतासर करते हैं, प्रभावित करते हैं, आपकी ज़िंदगी पर असर डालते हैं। और बिल्कुल, सबसे बड़ा असर तो परिवार का ही होता है, पिताजी का, माताजी का, भाइयों का, सही बात, दोस्तों का। सही बात। तो ऐसे मैं रोल मॉडल चुनने में मुझे वाकई बहुत मुश्किल होगी कि मैं किसको कहूँ कि जब ये इनको मैं रोल मॉडल मानता हूँ, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। चलें, ये अपने आप में आपका बड़ा मुकम्मल जवाब है कि इस दौर में रोल मॉडल्स का सिलेक्शन वाकई एक मुश्किल काम है, लेकिन ये लोग जो हमारी जिंदगी को मुतासिर करते हैं उसमें सर फहरिस्त वही लोग होते हैं जिस घर से हम आते हैं। बिल्कुल सही आपकी
बात है। तो आप अपनी पर्सनालिटी के इस मौजूदा अक्स में अपने अल्मा मैटर का क्या रोल देखते हैं? अच्छा, इसके साथ ही आखिरी सवाल आपसे, और ये इसी में जोड़ देता हूं कि आप हमारी जो एएमयू की यंगर जनरेशन है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से? देखिए, मैं शुरू से इसी बात को कह रहा हूँ और शायद वक्त कम ख़त्म हो रहा होगा कि मुझे तो अलीगढ़ ने ही गढ़ा है। जो कुछ भी मैं हूँ, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि अलीगढ़ की वजह से। और रही बात मैसेज देने की, तो मैं याद कर रहा हूँ प्रोफेसर नजमुल हसन साहब को, जो हमारे एमबीए डिपार्टमेंट के चेयरमैन हुआ करते थे, और वो मौलाना थे, लेकिन उनको संस्कृत, फारसी, तमाम भाषाओं का और भारत की संस्कृति का इतना ज़्यादा ज्ञान था कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और शायद वक्त नहीं है कि मैं बता पाऊँ। वो जी एक बात कहते थे हमसे हमेशा, एमबीए के स्टूडेंट से और बाकी भी सब लोगों से, कि यू आर सेकेंड टू नन। सही, ये उनका बिल्कुल पैट स्टेटमेंट था, मैसेज था हम लोगों के लिए कि आप किसी से कमतर नहीं है और कोई आपसे बेहतर नहीं है। तो यही मैसेज है अपने अलीगढ़ के सभी भाइयों के लिए, खासतौर से उन बच्चों के लिए जो अभी अलीगढ़ में पढ़ रहे हैं। बाकी लोग तो दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं और अलीगढ़ ने एक से एक बड़ी हस्ती को जन्म दिया है। तो जी मैं यही कहा कि प्रोफेसर साहब नजमुल हसन साहब के जो अल्फाज थे कि आप किसी से कमतर नहीं है और कभी आप आपको किसी से कम मत। अजय भाई, वंडरफुल टॉकिंग टू यू। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू रही और मेरा यकीन है कि जो इस गुफ्तगू को सुनेंगे वो बहुत मुतासिर होंगे, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए हैं। और जिस तरीके से आप अपने अल्मा मैटर के साथ जुड़े रहे हैं, ऐसे ही जुड़े रहें और लोगों को आने वाले वक्त में मुतासिर करते रहें, इंस्पायर करते रहें। चलते चलते एक शेर अगर रखते हो, तो मैं सर सैयद साहब के लिए तो इरशाद मैं हमेशा इरशाद बोलता दह हूँ नसीब इरशाद, तेरा जी के तौर पर, के शाम दर शाम जलाए जाएंगे तेरी यादों के चिराग, क्या बात। शाम दर शाम जलाए जाएंगे तेरी यादों के चिराग, नस्ल दर नस्ल तेरा नूर नुमाया हो। तो क्या बात, क्या बात, ये सैयद की काविशें हैं कि हर अली पूरी दुनिया में, दुनिया के हर गोशे में सर उठा के चलता है। तो यकीनन ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो मिशन और विजन था जी और इस देश को महान बनाने का, सर सैयद और महात्मा गांधी, जी यही दो लोग हैं जो इस देश को दिशा दे सकते हैं। सही बात, ये मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा। बहुत बहुत फिर कभी शुक्रिया अजय लंबी भाई, बात करेंगे। बहुत बहुत इंशाल्लाह, शुक्रिया आपका। बहुत बहुत खुदा हाफिज़। शुक्रिया, खुदा हाफिज अजय भाई।